भारत ने दबोचा चीन के गले को तो झटकने लगा अपने हाथ पे। भारत की कूटनीतिक चाल से चीन को श्रीलंका में करारा प्रहार। मोदी ने तैयार किया ड्रैगन के फन को कुचलने का प्लान। दोस्तों, दुनिया पहले से ही जान चुकी है कि चीन मानवता के नाम पर जीरो है। दुनिया में कोरोना वायरस फैलाकर लाखों लोगों की जान ले चुका है। अब अपने टारगेट पर भारत को लेना चाहता है, लेकिन भारत चीन को लगातार अपनी विस्तारवादी सोच को चुनौती दे रहा है। अब भारत ने ऐसा ही काम कर दिया है कि चीन को आगे बढ़ रहे हिंद महासागर में पीछे धकेल दिया है। अभी फिलहाल चीन की विस्तारवादी सोच पर भारत ने फुल स्टॉप लगा दिया है। जिस प्रकार से भारत और चीन के बीच का माहौल गर्म हुआ है, उससे महाविनाश के युद्ध की आशंका तेज हो गई है। चीन लगातार जबरन भारत में घुसने की कोशिश कर रहा है, कभी लद्दाख तो कभी उत्तराखंड में घुसपैठ कर रहा है। चीन जिस प्रकार से बॉर्डर पर गतिविधियां कर रहा है, उसे देख साफ साफ लग रहा है कि चीन युद्ध का इरादा बना चुका है। अब युद्ध की चिंगारी को फैलाने के लिए भारतीय सीमा के अंदर घुस रहा है, तो वहीं रूस दोस्ती की पीठ पर खंजर घोंप रहा है और खतरनाक हथियार चीन को सप्लाई करना शुरू कर दिया है। भारत अभी फिलहाल वेट एंड वॉच यानी कि देखो और परखो की स्थिति में बना हुआ है, लेकिन भारत ने भी सीमा पर खतरनाक मिसाइलें, टैंक और फाइटर जेट को तैनात कर दिया है और साथ ही लगातार चीन को कूटनीतिक चोट दे रहा है। भारत अब इसी कड़ी में श्रीलंका से चीन को कूटनीतिक जख्म दे दिया है। उधर चीन की जिस प्रकार से एक के बाद एक उसकी साजिशें फेल होती जा रही है, जिससे बौखलाई चीन ने युद्ध का इरादा बना लिया है। चीन अपने पड़ोसी देशों के क्षेत्रों को जबरन कब्जाने की कोशिश कर रहा है। इसी कड़ी में भारत के क्षेत्रों को भी शामिल कर लिया है। चीन पहले से ही पूर्वी लद्दाख को अपने अधिकार क्षेत्र में होने का दावा कर रहा है, लेकिन अब चीन अरुणाचल और उत्तराखंड में अपने पैर पसारने के लिए हलचलें तेज कर दी है। चीन की विस्तारवादी सोच दुनिया के कई देशों के लिए गले का फंदा बन रही है। भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया से चीन का चल रहा विवाद लगातार बढ़ रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे भारत ने श्रीलंका से चीन को खदेड़ने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि कैसे चीन भारत को युद्ध के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। तो दोस्तों, इसके लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। श्रीलंका गुलामी की कगार पर होने वाला था चीन का गुलाम, भारत ने दरिया दिली दिखाते हुए बचाया चीन से। भारत ने चीनी ड्रैगन को बड़ा झटका देते हुए श्रीलंका में 70 करोड़ डॉलर का एक घाव उसकी आर्थिक सोच पर उतार दिया है। भारत ने श्रीलंका में कंटेनर टर्मिनल का समझौता कर लिया है। ये चीन की पीठ पर आर्थिक दृष्टि से सबसे बड़ा हमला है, क्योंकि चीन श्रीलंका को आर्थिक मदद देकर 90 सालों का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाला था। माना जा रहा है कि भारत ने श्रीलंका में चीन के बढ़ते प्रभाव को करारा जवाब देने के लिए, आपको बता दें कि यह बहुत ही बड़ा समझौता श्रीलंका पोर्ट अथॉरिटी और भारत के अडानी समूह के बीच में हुआ है। यह नया पोर्ट कोलंबो के चीन के बने 50 करोड़ डॉलर की चीनी जेटी के पास है। श्रीलंका पोर्ट ने एक बयान जारी करके कहा, यह समझौता करीब 70 करोड़ डॉलर का है, जो श्रीलंका के बंदरगाह सेक्टर में अब तक का सबसे बड़ा विदेशी निवेश है। इसमें कहा गया है कि अडानी इस बंदरगाह को स्थानीय कंपनी नॉन किल्स के साथ मिलकर बनाएगी। इसमें कहा गया है कि अडानी इस बंदरगाह को स्थानीय कंपनी जॉन किल्स के साथ मिलकर बनाएगी। इस टर्मिनल में जॉन किल्स का हिस्सा करीब 34% का होगा, जबकि अडानी के पास 51% की हिस्सेदारी होगी। इस डील ने श्रीलंका को ड्रैगन की भूमि में जाने से बचा लिया है, क्योंकि श्रीलंका ने पिछले दिनों देश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए चीन से फिर 2.2 बिलियन डॉलर का नया कर्ज मांगा था। श्रीलंका पर चीन का पहले से ही अरबों डॉलर का कर्ज है। इसके एवज में उसे अपना हम्बन टोटा बंदरगाह को 99 साल की लीज पर चीन को सौंपना पड़ा है। आपको बता दें कि श्रीलंका हिंद महासागर में सैन्य दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए चीन श्रीलंका को अपना भोला चेहरा दिखाकर कब्जा करने की लगातार कोशिश कर रहा है। और वहीं साथ ही चीन जानता है कि हिंद महासागर से भारत को घेरना और भी आसान हो जाएगा, जिसके चलते श्रीलंका को चीन की कर्ज के जाल में उलझते देख भारत समेत कई पश्चिमी देश परेशान हैं। दरअसल इन देशों को डर है कि कहीं चीन कर्ज के एवज में पूरे श्रीलंका पर कब्जा न कर ले। ऐसी स्थिति में हिंद महासागर में चीन को बड़ी ताकत मिल जाएगी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि चीन श्रीलंका के कई क्षेत्रों को अपने कब्जे में ले लिया है। 2017 में श्रीलंका ने 1.4 अरब डॉलर के लोन के बदले अपना हम्बन टोटा बंदरगाह चीनी कंपनी को सौंप दिया था, जिसके बाद जब भारत ने आपत्ति जताई तो श्रीलंका ने इस पोर्ट का इस्तेमाल मिलिट्री सर्विस के लिए रोक दिया था। धीरे धीरे चीन भारत के पड़ोसी देशों को अपने होशियारी के बदले कर्जा देकर उनके क्षेत्रों पर कब्जा करता रहा है और भारत को चारों तरफ से घेरने के लिए उन क्षेत्रों को उन्हें सैनिक अड्डे में तब्दील कर देता है। श्रीलंका में भयंकर आर्थिक मंदी, जिसका चीन उठाना चाहता है फायदा।
इस वक्त श्रीलंका में जो हालात हो गए हैं उसे कभी श्रीलंका ने अपने सपने में नहीं सोचा होगा। श्रीलंका इस समय भूखमरी की कगार पर आ गया है। महंगाई इतना ज्यादा बढ़ गई है कि आलू 150 रुपए में, प्याज 100 रुपए किलो में बिकने शुरू हो गए हैं। दोस्तों, आप तो चीन के रवैये से वाकिफ तो होंगे ही। वो हमेशा गिद्ध की तरह गरीब देशों पर नजरें लगाए बैठा रहता है कि कब कोई उसके पास आए और वो उसकी मांस को नोचना शुरू कर दे। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने इस स्थिति को काबू में लाने के लिए आर्मी के सबसे बड़ी अधिकारी को इसकी जिम्मेदारी सौंप दी है। इनका काम घूसखोरी और जमाखोरी को रोकना होगा। भारत की लगातार चीन से चल रही है तनातनी। चीन लगातार भारत के कुछ किलोमीटर अंदर आता है और फिर वापस से लौट जाता है। इस कड़ी में एक बार फिर से दोस्तों चीन ने सारी हदें पार कर दी। उसने उत्तराखंड में भी अपनी सेना को उतार दिया है, जहां पर चीनी सेना ने बहुत तोड़फोड़ की है। पूर्वी लद्दाख में तनातनी के बीच चीन ने उत्तराखंड के बाराहोती इलाके में उकसावे वाली हरकत की है। हिमालय से सटे इस इलाके में चीन की फौज के 100 से ज्यादा सैनिक बॉर्डर पार करके भारत के अंदर घुस गए। भारत के 5 किलोमीटर तक अंदर घुस आए थे, जिसके बाद भारतीय सेना को मुस्तैद होता देख वापस लौट गए थे, जिसके बाद दोनों देशों के बीच सरहद पर तनातनी चल रही है। उधर चीन लगातार भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है और कभी भी युद्ध का जन्म हो सकता है, जिसको देखकर भारत ने अपनी नौसेना और वायुसेना को और दुरुस्त करने का काम शुरू कर दिया है। भारत की पहली स्क्वाड्रन में MRSAM शामिल की गई है, जो दुश्मन के किसी भी हमले को अपने जोन में और चीनी हमलों में भारतीय वायुसेना की रक्षा कर पाएगा। यह सिस्टम डिटेक्टेड रडार के सपोर्ट पर अकेले फायरिंग यूनिट की तरह ऑपरेट कर पाएगा। इतना ही नहीं, खतरा चाहे ट्रेडिशनल हो या एडवांस, यह बहुत ही जल्दी से रिएक्ट कर सकता है। यह सिस्टम एक ही वक्त में दुश्मन के अलग अलग 16 टारगेट पर 24 मिसाइलें दाग सकता है। इसमें सुपरसोनिक मिसाइल है, जिसे हर प्रकार से डिजाइन किया गया है, दुश्मन के टारगेट को बाधित करे और साथ ही उसे नष्ट भी कर सकती है। इसकी मारक क्षमता 70 किलोमीटर तक है, लेकिन यह दुश्मन के एयरक्राफ्ट को 110 किलोमीटर तक भी निशाना बना सकती है। यदि चीन ने भारतीय सीमा के अंदर घुसने की कोशिश की तो एक झटके में उनका काम तमाम कर देगी। और इसकी सबसे खास बात यह है कि यह कम जगह में और कम समय में एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट की जा सकती है। वहीं इसके अलावा भारत को खतरा सिर्फ चीन से ही नहीं बल्कि पाकिस्तान से भी है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने अपनी मनचाही सरकार बना लेने के बाद भारत पर हमला करने की तैयारी कर ली है, क्योंकि अब पाकिस्तान को तालिबान का सीधा सपोर्ट मिल गया है, इसलिए पाकिस्तान भारत पर कभी भी हमला कर सकता है। तो दोस्तों, इस खबर में इतना ही, लेकिन जाने से पहले आप श्रीलंका में भारत के इस कदम को किस प्रकार से देखते हैं हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और खबर पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमारे लिए ऑक्सीजन की तरह होगा।